तो जो मेरे दोस्त हैं नीतीश भाई वो पहुंच चुके हैं अपनी बाइक लेके और हम अभी जाने वाले हैं कुफरी और बाइक हमारी बिल्कुल जा रहा है। और आप देखिए मुझे भी हेलमेट लेके मैं पूरा फिट तो नहीं आया इतना लेकिन ठीक है। चलिए इस ब्लॉग का शुरू करते हैं और नीतीश भाई के साथ हम जा रहे हैं आज कुफरी की ओर। तो फिलहाल हम अभी हम हैं विकास नगर में और विकास नगर से हम जाने वाले हैं कुफरी। नीतीश भाई नेल पॉलिश लगा के आए हैं आज। भाई बोला तो इन शिमला की खूबसूरत वादियों से होते हुए हम अभी जा रहे हैं कुफरी। और जो ये ट्रिप स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है विकास नगर से और विकास नगर से होते हुए हम जा रहे हैं बाया ढली संजौली। संजौली से हम पहुंच जाएंगे कुफरी मशोबरा के जंगलों से होते हुए। और आप ये शिमला की सड़कें देख सकते हैं और ये खूबसूरत नज़ारे साथ में ऊँची ऊँची ये पहाड़। आपको ऐसे कई खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और इस ट्रिप का मज़ा लीजिए। और आपको मैं ये पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा कुफरी तक। सामने ये HJVN की कंपनी देख सकते हैं। कुछ काम इसका कंस्ट्रक्शन में चला हुआ है और लगभग ये कंपनी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत फेमस कंपनी है ये HJVN और खूबसूरत पहाड़ों में ये बनाई गई है और लोकेशन काफ़ी अच्छी चूज़ की है इन्होंने। ये आप सामने ये खूबसूरत पहाड़ देख सकते हैं और यहीं से होते हुए हम जा रहे हैं कुफरी। They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. सामने आपको पहाड़ों पर जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये शिमला का संजौली शहर है और काफी खूबसूरत लग रहा है नीचे से देखने में। ऊपर जाके नहीं गया
तो कुफरी बचा है यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर, और मैं अभी आया शिमला से, और शिमला यहाँ से है 12 किलोमीटर की दूरी पर। और मैं हूँ अभी मशोबरा के जंगलों में, जो कि एशिया के सबसे घने जंगल है मशोबरा, जो कि शिमला में है। कुफरी के, जब आप शिमला से कुफरी जाओगे तो आप मशोबरा होके जाओगे, और मशोबरा के जंगलों से होते हुए जाओगे जो आप सामने देख रहे हैं। और ये जंगल एशिया के सबसे घने जंगल, एशिया के सबसे घने जंगलों में से आते हैं। और करना बनता है फागू, 9 किलोमीटर यहाँ से फागू। मेरे तो पूरे हाथ कांप गए यार, एक से मैंने फोन पकड़ा, दूसरे से GoPro। वो इतनी ज्यादा ठंड लग रही है ना अभी यार, खतरनाक वाली। मेरे दोनों हाथ जो है पूरे कांप रहे हैं, और मेरा जो राइडर है, जो ड्राइव कर रहा है, बाइक ड्राइव कर रहा है, उसके हाथ तो भाई ग्लव्स के साथ इधर है, हाथ कांप रहे हैं। मैंने बाइक बहुत ही स्लो कर दिया है भाई, बहुत ठंड है यार, ठंड है। हम तो बीच रास्ते में रोक गए हैं अभी कुफरी जाने के लिए। इन्होंने शिमला से राइड करके यहाँ पे आए हैं, और अभी हमें रुकना पड़ा है बीच में, क्योंकि जो हाथ है वो पूरे जम चुके हैं हमारे। तो अभी मुझे कुफरी में कुछ भी नहीं देखने को मिला, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरी है। तो कुफरी जो मेनली फेमस है वो है बर्फ़ के लिए। तो यहाँ पे कुफरी तालाब जिला शिमला हिमाचल प्रदेश। नीतीश भाई यहाँ से रास्ता। तो अभी हम जाने वाले हैं, शिव जी का मंदिर है और काली माता जी का साथ में। जय हो। क्या नाम है इस मंदिर का? माँ भीमा काली मंदिर। ओके, जय भीमा काली माता। तो कुफरी आकर हम मंदिर जा रहे हैं। कुफरी एक वैसे टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन बर्फ़ नहीं गिरी है अभी तक। तो आप देख सकते हैं हम अभी मंदिर जा रहे हैं, और मेरे साथ मेरे दोस्त, जो कि यही हमें यहाँ तक लेके आए हैं। नीतीश भाई क्या कहना चाहेंगे आप कुफरी के बारे में? अभी तक क्या ही बोलूं, अभी तो बस ऐसे ही आकर हमारा दिन खराब हुआ है, टाइम भी खराब हुआ है। हमने किसी से पूछा था, उसने बोला था कुफरी बहुत अच्छी जगह है, पर अभी कुछ खास देखने को तो मिला नहीं ऐसा। तो निराशाजनक नीतीश भाई के फेस से देख सकते हैं। तो वैसे जो मेन चौक है कुफरी का वो ये है, सारी गाड़ियाँ आकर यहीं से लगती हैं, और ये जो रोड गया आगे के लिए चला गया रोड के लिए, खड़ा पत्थर ठियोग और चैल के लिए भी यहीं से रोड जाता है। आगे जाके एक चौक है, वहीं से दो रास्ते, एक चैल के लिए चला जाएगा और एक रोड के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम अभी जा रहे हैं मंदिर की ओर, और मेरे पास है अभी GoPro कैमरा, थोड़ा सा अमीर हो गया हूँ मैं भी। GoPro के साथ जा रहा हूँ, और ये आप देवदार के पेड़ देख सकते हैं, देवदार के पेड़ को बीचों बीच एक खूबसूरत सा मंदिर। तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, और सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है कि जूते बाहर ही उतारे, लेडीज आर रिक्वेस्टेड नॉट टू एंटर द टेंपल प्रीमिसेस ड्यूरिंग पीरियड्स। माता और बहनों से निवेदन है कि मासिक धर्म के समय मंदिर में प्रवेश ना करें। तो हम अभी यहाँ पे जूते उतारने वाले हैं, और उसके बाद आपको ये खूबसूरत सा छोटा सा मंदिर कुफरी का वो दिखाएंगे। बाबा जी की प्रतिमा है सबसे पहले इस मंदिर, मुझे यहाँ दिखी आके। और ये
अंदर जाके भी आपको मैं मंदिर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको काली माता जी का मंदिर दिखाता हूँ। जय काली माँ। जय काली माँ। कम ज्यादा चलेगा ना? ज्यादा चलेगा चलेगा। हम खाने वाले हैं। जय ये जो अंदर आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये भीमा काली माता जी की प्रतिमा है। जय भीमा काली माता जी की जय हो। तो जो कुफरी में मंदिर था भीमा काली माता जी का, वो हमने उसमें माथा टेक लिया है और प्रसाद भी हमने ग्रहण कर लिया है। और छोटा सा मंदिर था, ये खूबसूरत था, मज़ा आया। लेकिन अब से हम कुफरी नहीं आएंगे, क्योंकि कुफरी में हमें कुछ नहीं मिला है। और यहाँ पे जो बर्फ़ देखने लोग आते हैं दूर दूर से, वो हमें शिमला में भी मिल जाएगी, तो इतनी दूर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। नीतीश भाई, क्या कहना चाहेंगे आप कुफरी के बारे में? हाँ, बस यही कहेंगे कि अब हम नहीं आएंगे कुफरी, अब से नो कुफरी। बर्फ़ अगर देखना है तो हम शिमला में भी देख सकते हैं। को यहाँ पे तालाब भी मिला है, लेकिन हम इसको तालाब नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें पानी नहीं है, इसको हम मैदान बोलेंगे। लेकिन तालाब की तरह कुछ बनाया गया है, लेकिन ये अभी सूखा है तो इसको मैदान बोला जाएगा। तालाब नहीं है नीतीश भाई, आपने गलत खोज की है ये। चलिए ये रास्ता क्या, चलिए जहाँ हमें जाना है वहाँ चलिए आप। देखो भाई, हमारी किस्मत देखो, तालाब में भी पानी नहीं मिल रहा। सोचो, बर्फ़ देखने आए थे हम, नहीं बर्फ़ नहीं, कुछ पानी भी नहीं मिल रहा है। खैर छोड़िए, हम आपको तो गाइस हमने कुफरी घूम लिया है। तो मेरे इस ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और नीतीश भाई को देखिए, इन्होंने कुफरी पहली बार देखा है और बहुत खुश है ये। तो मिलते हैं आपके साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।